हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन हरे
श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे। जिसमें हमने श्रवण किया था भगवान के विराट रूप के वर्णन के बारे में। इसमें हमने वर्णन सुना था विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है। विराट पुरुष वाले रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है। उसकी गर्दन महरलोक है। उसका मुख जनलोक है। उसका मस्तिष्क तपलोक है। सर्वोच्च लोक है जैसे सत्य लोक कहते हैं। 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर। उनके विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक है। दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। कटी प्रदेश मही तल और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष। इंद्रादयो बावरुणसत्र कर्णो दिशा श्रोत्र मुष्य शब्द नास्त्य दस्त्रो परम सिनासे ग्रहणो सिगंधो मुखमग्निरध्य। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुषों की बाहें हैं।
इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुषों की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिय है। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुषों की बाहें हैं, दसों दिशाओं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा उन भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रिया है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुषों की बाहें हैं, उनके द्वारा सारा कार्य चलता है। दसों दिशाएं उनके कान हैं। और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि। भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर भगवत गीता श्रीमद भागवत में विस्तार से दिया गया। भगवत गीता में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सबको निगले जा रहे हैं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहनीय किरणों में लपेट रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद भागवतम भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशाषी जीव सम्मिलित हैं। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशाषी जीव भी सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशी दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, तो भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत देव रूप में की जाए, ये देवता तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली, जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है। फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो सन्मार्ग पर अग्रसर रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो।
वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निहित। द्योक्षिणी चक्षुरभूत पतंग पक्ष्माणि विष्णुहनी तत्भ्रू विजम्भ्र परमेश धिष्णम आपस्य तालु रसेव जीव। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके गोलक नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटियों की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं ये भगवान का विराट रूप का वर्णन हो रहा है तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक, दिन और रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटियों की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु था तो सभी वस्तुओं का रस या सार उनके जीव है। तात्पर्य सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेश को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा रहता है जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं होता। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। छन्दासि अनन्ता शिशिर गुणन्ति द्रष्टां यमहस्ने कला द्विजानी वास जनुन्माद करी च माया दुरंत सर्ग यतपांग मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं। वे कहते हैं वैदिक स्रोत तो भगवान के मस्तक है और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़े हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये भौतिक दृष्टि रूपी महान सागर हमारे ऊपर डाली गई उनके चितवन स्वरूप है। तात्पर्य वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है वह उनका शरणागत हो जाता है।
साधारे धर्मस्तनाधर्मपथास्य प्रश्नम् कथास्य मेढम् वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयास्ति संगा। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनके जननेन्द्रिय हैं और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश, सागर उनकी कमर और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी, धर्म उनका वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनके जननेन्द्रिय हैं और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं, सागर उनकी कमर और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह। तात्पर्य परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते, पृथ्वी परम पुरुष है जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा जी उनके जननेन्द्रियों का कार्य करते हैं और मित्र वरुण उनके दो अंडकोश। इसका अर्थ है कि पुरुष के रूप में समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण है, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। अतः जब भगवान को निर्विशेष रूप से वर्णित किया जाता है तो समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारी अपूर्ण कल्पना के समरूप नहीं है। ये तो मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वो आस्थाहीनों के लिए चुनौती। तो भगवान के बाकी दूसरे रूपों का वर्णन, और लज्जा उनका ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, ये विराट रूप के वर्णन हुए। धर्म उनका वक्षस्थल है और अधर्म उनकी पीठ है। और भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनके जननेन्द्रिय हैं और मित्रा वरुण उनके अंडकोश हैं, सागर उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह। और वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक है,
मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप। नदो सेनाड्यो तनोरुहाणी मरीर गुहा विश्व तनो नृपेन्द्र अनंत वीर्य शोषितम मात्र शिवा गति वरे कर्म गुण प्रभाव। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं। नदियां उस विराट शरीर की, भगवान की विराट शरीर की नसें हैं। वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनके श्वास। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति की तीनों गुणों की प्रतिक्रिया है, उनके कार्यकलाप है। तात्पर्य भगवान न तो जड़ पत्थर है, न ही वे निष्क्रिय हैं। जैसा कि आप विचारधारा कुछ विचारधारा वाला सोचते हैं, वे समय के साथ गतिशील होते आते वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ भूत तथा भविष्य के विषय में सब कुछ जानते हैं। उनमें कुछ भी अनजान नहीं रहता। बद्ध जीव प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और ये ही भगवान के कार्यकलाप है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। अतः कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निरुद्देश्य होता है, न ही स्वचालित होता है। इन सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि भ्रमवश गलत सोचा गया है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता। जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा गया कि उनकी स्वीकृति के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। ब्रह्म संहिता में कहा गया, सारे ब्रह्मांड तथा उनके अधीश्वर उनके श्वास लेने की अवधि तक इसी अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई, ब्रह्मांड के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित है, वो अजित पुरुष विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है। ईशासि केशान विदम्बुवाहन वासस्तु संध्यां कुर्वर्य भूम्ना अव्यक्तमाहु हृदयं मनश्च चंद्रमा सविकार सचंद्रमा सर्विकार कोश। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संध्या उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याणी उनकी बुद्धि। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का।
विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोऽन्तरणं गिरित्रम्। अश्वास्तरी उष्ट गजान खानी सर्वे मृगापशवशोणि देश। पदार्थ का सिद्धांत महातत्व जो है सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, और जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनु मनीषा मनुजो निवासो गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर स्वस्मर तिरसुरानि कवि कवीर। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनके आदर्श बुद्धि के प्रतीक है। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी देवी मनुष्य के संगीत के लय को व्यक्त करते और आसुरी सैनिक उसकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप। तो इसमें भगवान विराट रूप के बता रहे वर्णन, महातत्व उनकी चेतना है, उन भगवान की रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, और जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी पर कमर में स्थित है। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक। ये सारा संसार की जो सारी चीजें हैं उसी वही भगवान का विराट मिलके सब विराट रूप बनाते। मानव जाति के पिता मनु उनके आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तात्पर्य, भगवान का सौंदर्य बोध मोर तोता कोयल जैसे विविध पक्षियों के कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होते हैं। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मनुष्य योनिया आश्चर्यजनक गायन करती और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती। उनका संगीत में लय भगवान की संगीत का रुचि का बोध व्यक्त करता है। तो वे निर्विशेष, ऐसे भगवान निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास, इसका अर्थ है कि मनुष्य ईश शासन ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है।
ये जीवन बद्ध जीव के लिए, यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन इस चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए से अवसर प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। महाराजा प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि। कोई भी जीव भगवान के विराट स्वरूप शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा करने पाने में व्यवधान करने पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश जंगल में किया। वहां व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग। ब्रह्मानं चात्रभुजो महात्मा। विटुरुङ्घ्रिषु कृष्णवर्ण नानाविधाभिजगणोत्पन्नो द्रव्यात्मकं कर्म वितान योग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघे वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों में संरक्षण है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित है, और प्रत्येक का कर्तव्य कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें। मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अपितु भगवान की यश प्रसारित हो अन्य तैयारों सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्य से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासन वर्ग के ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है और यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शुद्ध वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने में शारीरिक श्रम प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती, जो भगवान का पवित्र नाम का संकीर्तन है, उससे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सके। या न सोई ईश्वर विग्रहस्य सन्निवेश कथित मया ते संधा मन्धार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस बुद्ध्या न यत्तस्ति किञ्चन। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया है, जो
जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा रखता है वो भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं। तात्पर्य भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा कि भौतिक प्रकृति तो उनकी एक आदेश वाही का प्रतिनिधि मात्र, वो भगवान की विभिन्न शक्ति में से एक है, केवल उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करती। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्वों पर केवल दृष्टिपात करते और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है, परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः छह प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील और कालक्रम में प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान की उस जो अल्पज्ञ वे भगवान कृष्ण की उस अचिंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे दिखते हैं। इस संसार में हमारे जैसे ये रूप उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहितु की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक अवधारणाओं से ऊपर है किंतु तो अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते रहते हैं। भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में अत्यधिक उलझे रहते हैं और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकट की घटनाओं से भरे बाह्य लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है। यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं। क्योंकि वे भगवान के साकार रूप को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते, अतः भगवान सदैव होकर उन्हें अपना दिव्य रूप का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के स्वरूप का विशद वर्णन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। तो 38 श्लोक में आता है, या नसोई ईश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथित मया ते संध्यार्ते अस्मिन् वपुषि स्थाविष्टे।
सबुद्यान यतास्ति किंचित। भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा कि भौतिक प्रकृति तो उनके आदेश वाहिका की प्रतिनिधि मात्र है, वो भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और वो केवल उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करती। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्वों पर केवल दृष्टिपात करते हैं और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ जो मैटर है, मैटर की बस भगवान की दृष्टि पड़ती है और उसमें लाइफ आ जाती है, विक्षोभ प्रारंभ हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः छह प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और काल क्रम में प्रकट और लुप्त होती रहती है केवल भगवान की दृष्टि से। जो लोग अल्पज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे दिखते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा से बाहर है और ये सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान अंतर्यामी भी है, सर्वव्यापी भी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन इसलिए किया है कि वे लोग जो भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं उनके ऊपर दया करने के लिए उन्होंने अपना एक विराट रूप वाला प्रदर्शन किया। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। ये विराट रूप का इसलिए विश्वास करेगा कि जैसे इसमें विराट रूप का तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, उसको सामने दिख रहा है। जैसे इसमें सारी चीजों का वर्णन आता है कि नदियां नसें हैं, नदियां तो हैं सी, नदियां भगवान की नसें, वृक्ष उनके रोम है, वृक्ष तो दिख रहे हैं सबको, वायु उनकी श्वास है, वायु सबको महसूस होती है और व्यतीत हुए योग उनकी गति है और प्रकृति की तीनों गुणों की प्रतिक्रिया है उनके कार्यकलाप में। जल ले जाने वाले बादल तो सबने देखे हैं, वो उनके सिर के बाल है। दिन या रात्रि की संधियां उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण उनकी बुद्धि। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है और महत्तत्व उनकी चेतना है। बाकी सारा का वर्णन थी तो सारी चीजें सबने देखी तो विराट रूप में तो विश्वास करना पड़ेगा। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है, वे निरंतर एक पहलू से दूसरे पहलू के बदलते रहते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वो उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, जैसे जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी, अन्य कुछ।
भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट का रूप का कोई ना कोई अंग होती है। अतः चंचल मन भगवान पर स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता को चुनौती क्रमशः क्षीण हो जाती है और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकेगा। चूंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, अतः नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईश्वर उपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीखेगा। ये जो इस जगत में सारे जो नदियां, वृक्ष, वायु, चंद्रमा, सूर्य, बादल, ये सब तो भगवान के अंश है, विराट रूप के अंश। तो जब वो हर जगह भगवान की उपस्थिति को देखेगा कि मैं पाप करूं तो कहां करूं, कि जिनके तमोगुण की वृत्ति होती है, सतोगुण की जो रजोगुण की तमोगुण की, उनके पाप करने की तीव्र इच्छा होती है हमेशा। लेकिन धीरे धीरे वो ये बताए कि जब इससे पता लगे कि ईश्वर तो सर्वत्र है, तो वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीखेगा। इवन प्रकृति के प्रति वैष्णव, ब्राह्मण, साधु, गुरु, इनको तो छोड़िए, साधारण व्यक्ति छोड़िए, प्रकृति के प्रति भी अपराध करना, प्रकृति के प्रति भी अपराध करना पाप की श्रेणी में आएगा। जल के प्रति अपराध करना, वायु के प्रति अपराध करना, अग्नि के प्रति अपराध करना, पृथ्वी के प्रति अपराध करना, तो इस तरह वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख लेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्व में ह्रास होगा और इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर की अंश है। सर्वधी वृत्ति सर्वधी वृत्ति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षते तमसत्यमानन आनंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतात्मपात। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंद पर आनंदमय परम सत्य, अन्यथा मनुष्य पदभ्रष्ट हो जाएगा और खुद को अपने पतन का कारण बनाएगा। तात्पर्य श्लोक में महान गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की और संकेत दिया और हमें बताना चाहते कि हम आत्म साक्षात्कार की
अनेक शाखाओं की ओर अपने ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति पूजा तथा भक्ति के परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मनोवात्मक साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के युद्ध है। अतः बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है जो बड़े से बड़े योद्धा को भाव बंधन में पुनः बांधते। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, जैसे अणिमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वो सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, हल्के से भी हल्का बन सकता है, या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्री के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागृत बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है किंतु अनेक, उनके विस्तार अनेक है, अतः वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसका देखना गौण है, भगवान का देखना प्रधान है, मादी है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपनिषद है, अतः हम जो भी देखते हैं करते हैं उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के परमात्मा भगवान ही आत्मा तथा परमात्मा के साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है, भगवान का विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है, किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की अभिव्यक्ति है। और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे हम अंततः देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अनंतिम परमात्मा है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना संकोच के पूजक करना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्र में स्पष्ट कहा गया कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, तब अन्यों की बात ही नहीं उठती। श्रीपद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है, अतः सारा भौतिक प्राकृतिक एक साथ नारायण से युक्त था पृथक। और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से भगवान की दृष्टि से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है। ये भौतिक सृष्टि भगवान से अभिन्न, भगवान की बहिरंगा शक्ति क्योंकि उन्हीं की दृष्टि से तो उत्पन्न है, किंतु चूंकि ये उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव और ये अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ साथ पृथक भी, साथ भी पृथक भी। श्लोक में देखा गया कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति का उदाहरण है, अति सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता है, इस तरह उस स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित हो जाता है। ये भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि, किंतु वे दिव्य परमात्मा का होने के कारण तो स्वप्नमत सृष्टि की प्रक्रियाओं से बनते हैं, नहीं प्रभावित होते, वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं।
लेकिन हनुमान तो सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथ भ्रष्ट हुए बिना उन्हें उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भागवत गीता में इस प्रकार की पुष्टि की कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जामः। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के आरंभ में अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि करता हूँ। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। ये एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार से ईश अनुभूति का ये प्रथम सोपान नामक अध्याय 2 को यहीं पे विराम देते हैं। इसमें मुख्यतः हमने श्रवण किया कि भगवान का विराट रूप कैसा है, भगवान का विराट रूप कैसा है, जो नीचे पाताल और ये सब जो है भगवान के पैरों के हैं, जो कमर लोक तक वो जो है कमर लोक पे पृथ्वी आ जाती है, नाभि का गड्ढा उनका भाई अंतरिक्ष है, गर्दन महर लोक है, मुख जन लोक है, मस्तक तप लोक है, सिर सत्यलोक है, और उसके पश्चात हमने देखा कि दसों दिशाएं उसके कान है, इंद्र देवता उनकी विराट पुरुष उनकी बाहें हैं, भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिय, दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने, भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रिय, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। मुख इसलिए बोलते हैं ना, अग्नि में सारी यज्ञ की आहुति अग्नि में डाली जाती है क्योंकि अग्नि उनका मुख विराट रूप। अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक। सूर्य को हम प्रणाम इसलिए करते हैं, सूर्य उनके नेत्र, दिन और रात उनकी पलके हैं। तो सभी वस्तुओं और उनकी सभी वस्तुओं का सार जो है उनकी जीवा है। वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक है और मृत्यु के देवता यम उनकी दाढ़े हैं। सर्वाधिक मोहिनी माया उनके मुस्कान है और इस भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनके चित्रण स्वरूप। इस प्रकार से ये अध्याय जो है हम भगवान के विराट रूप वाला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम इसके आगे का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अगला अध्याय जिसका नाम है अध्याय 2 हृदय में भगवान, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।